हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे RIMC यानी राष्ट्र इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में। RIMC पूरे इंडिया में अपने तरह का इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसे 1922 में देहरादून में इस्टेब्लिश किया गया था। ये पूरा कैंपस 135 एकड़ में फैला हुआ है जहाँ पर क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बॉय स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और साथ ही उन्हें प्रिपेयर कराया जाता है फॉर NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशंस के लिए। RIMC इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कि CBSE पैटर्न को फॉलो करता है, जहाँ पे दूसरे स्कूल 10th के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, वहीं RIMC में सिर्फ आपको साइंस स्ट्रीम देखने को मिलेगी। अब क्योंकि नॉर्मल स्कूलिंग के साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाया जाता है, इसलिए साइंस स्ट्रीम होने के बावजूद भी उन्हें सोशल साइंस या सोशल स्टडीज पढ़ाया जाता है। इस कॉलेज की बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ का इनटेक सिर्फ 25 स्टूडेंट्स पर टर्म है, मतलब एक साल में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स, और इस तरह से कैलकुलेट करें तो टोटल स्कूल की जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो आती है अराउंड 250 स्टूडेंट्स, जिस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स पर टीचर का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे टीचर हर एक स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दे सकता है। और इन्हीं सब रीजंस के चलते यहाँ पे हर बार 80% प्लस स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। RIMC की एक और खास बात है कि पूरे इंडिया में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये बोर्ड एग्जामिनेशन मई और नवम्बर मंथ में कंडक्ट करवाए जाते हैं और इसी के चलते राष्ट्र इंडियन मिलिट्री कॉलेज का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं RIMC में एडमिशन की। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं और उनकी एज 11.5 to 13 ईयर्स के बीच में है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। एडमिशन के लिए आप प्रॉस्पेक्टर्स कम एडमिशन फॉर्म डायरेक्टली RIMC से ले सकते हैं या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू उसे मंगवा भी सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस मंगवाने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट द कमांडेंट RIMC देहरादून के फेवर में बनाना होगा। इस प्रॉस्पेक्टस कम एप्लीकेशन की फॉर्म है ₹600 फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड ₹555 फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST एंड SC कैटेगरी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक ऑल इंडिया लेवल का रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें मेनली 3 सेक्शन होते हैं, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज। ये रिटन एग्जामिनेशन टोटल 400 मार्क्स का होता है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होती है मैथ्स की, दैट इज 200 मार्क्स, और वहीं इंग्लिश सेक्शन होता है 125 मार्क्स का और जनरल नॉलेज सेक्शन होता है 75 मार्क्स का। जो भी कैंडिडेट इस ऑल इंडिया लेवल रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं उन सभी को देना होता है वाइवा टेस्ट। ये वाइवा टोटल 50 मार्क्स का होता है जहाँ पर कैंडिडेट की इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है। वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट एक सीट अलॉट की जाती है, वहीं कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में वैकेंसी 2 to 3 सीट वेरी करती है। RIMC की फीस की बात करें तो वो है ₹42,400 पर एनम, जिसके साथ ही आपको एडमिशन के टाइम पे ₹20,000 का वन टाइम रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना होगा। वैसे तो RIMC की फीस काफ़ी कम है, बावजूद इसके स्टेट अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती हैं। RIMC में स्टडीज़ के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्क्वैश, बॉक्सिंग, स्विमिंग, राइडिंग, शूटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इंजॉय करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।